हेलो फ्रेंड्स, सी एन सी आई टी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल में आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम ट्यूटोरियल है वह है आपको प्राइम नंबर। तो आज का इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि एक नंबर हम इनपुट करेंगे और वो नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है या फिर ना प्राइम ना कंपोजिट है। तो चलिए आप प्रोग्राम मोड में चलते हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दो लाइन में डिफाइनिंग किया गया है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जो वन और वो नंबर से ही डिविजिबल होते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं और रिमाइंडर जीरो आते हैं, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे आपको थ्री है, थ्री जो है आपको या वन से डिविजिबल होते हैं या थ्री से ही डिविजिबल होते हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर की लिस्ट में है। फाइव जो है या फिर वन से डिविजिबल कम्प्लीटली होते हैं, रिमाइंडर जीरो आते हैं, या फिर फाइव से ही डिविजिबल होकर रिमाइंडर जीरो आते हैं, इसीलिए आपको ये भी प्राइम नंबर है। सेवन भी इसी तरह आपको वन से ही डिविजिबल है या फिर सेवन से ही डिविजिबल है। अगर दूसरा नंबर लेते हैं फोर, वन से भी डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली, टू से भी होते हैं, फोर से भी होते हैं। अगर वो नंबर जो वन से वो नंबर से भी और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर होते हैं कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपको नोट पैड में एक प्रोग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे एक हेडर फाइल है जो आपको लाइब्रेरी फंक्शन एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत तरह के लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो आपको हेडर फाइल्स में डिक्लेरेशन किया गया है। अगर हेडर फाइल हम नहीं देंगे तो बिल्कुल वो वर्क नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेन फंक्शन आपको जो है जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं और कंपाइल होते हैं मेन फंक्शन से ही होते हैं, और जितने सारे कोडिंग्स है सब मेन फंक्शन में लिखा जाता है। int x y कॉमा काउंट, ये जो है आपको, ये आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। आपको x y और काउंट जो तीन वेरिएबल है, ये आपको इंटेजर टाइप वेरिएबल है जो एक वेरिएबल दो बाइट लेते हैं। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स इंटेजर है, सिक्स बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। ये एक int, एक आपको डेटा टाइप्स है जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। इसके बाद जो printf फंक्शन जो है, ये मैसेज प्रिंटिंग करने के लिए यूज किया गया है। एक हम इनपुट नंबर ले रहे हैं और वो नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है या फिर नेदर प्राइम नोर कंपोजिट होगा। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल में मैंने इनपुट लिया हूँ। यहाँ परसेंट डी इंटेजर वेरिएबल के लिए परसेंट डी यूज किया जाता है। यहाँ पे y इक्वल टू वन, y इज लेस देन और इक्वल टू x, y प्लस प्लस, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त आपका स्टेटमेंट है सी का, जो जिसे फोर लूप कहा जाता है और फोर स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसमें तीन सेक्शन मिलकर के आपको बना हुआ है, y इक्वल्स टू वन, y इज लेस देन और इक्वल टू x, y प्लस प्लस। y इक्वल्स टू वन को आपको इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहते हैं और y इज लेस देन और इक्वल टू x इसे कंडीशन सेक्शन कहा जाता है, और y प्लस प्लस इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो if x रिमाइंडर y, अगर x का वैल्यू सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो है x का वैल्यू यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, तो 5 मोड y 1, अगर 5 मोड 1 इक्वल टू 0 होगा तो होगा, ठीक है। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे तो 5 मोड 1 इक्वल टू 0 है, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होगा, इसका मतलब काउंट का इक्वल टू 0 है तो एक काउंट इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर y कितना टाइम राउंड होगा, ये लूप कितना टाइम वर्क करेंगे, 5 टाइम्स वर्क करेगा। अगर y का वैल्यू 2 हुआ तो 2 5 मोड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो फिर क्या होगा, काउंट कॉन्स्टेंट 1 ही रहेगा। फिर 3 भी आपको 5 मोड 3 इक्वल टू 0 नहीं होते हैं, फिर 5 मोड 4 इक्वल टू 0 नहीं होते हैं, फिर 5 मोड 5 इक्वल टू 0 होते हैं, तो फिर क्या होगा, काउंट इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इस तरह क्या करते हैं, तो ये वर्क करते हैं। अब देखिए, जब काउंट का वैल्यू कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पर चेक होगा कि यदि काउंट का वैल्यू अगर 0 है या फिर काउंट का वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, नेदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना ये प्राइम रहेगा ना कंपोजिट रहेगा। इल्सिफ आपको ये कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो यहाँ पे चेक होगा काउंट इक्वल टू 2, अगर काउंट का वैल्यू 2 रहा तो वो क्या होगा, आपको प्राइम नंबर प्रिंट होगा, या फिर अगर 2 से ज्यादा रहा 0 और 1 में नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, 2 में आपको प्राइम नंबर या फिर 2 से ज्यादा में कंपोजिट नंबर। तो इस तरह हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम मोड में जाते हैं और हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे हम इसे कैप सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम बनाते हैं और रन करके देखते हैं कि किस तरह ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो हैच इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे stdio.h। सबसे पहले आपको जब भी सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको हेडर फाइल यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे stdio.h है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैच इंक्लूड, यहाँ पे क्या करेंगे, conio.h करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन देते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेसेस, इसको कहा जाता है क्या, इसके इसको कहा जाता है आपको मेन फंक्शन का बॉडी सेक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट करते हैं, ठीक है। इंट में क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले रहे हैं, फिर वाई एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक इनपुट के लिए और एक लूपिंग के लिए और एक काउंट के लिए, काउंट इक्वल टू जीरो से असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपको इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन किया हूँ, clrscr, यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट एप यूज करते हैं, ये प्रिंट एप इनपुट आउटपुट फंक्शन है। यहाँ पे मैसेज प्रिंटिंग कर रहा है, इंटर द नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे हम स्लैश एन दे रहे हैं, स्लैश एन का काम क्या है, स्केप सिक्वेंस जो आपको न्यू लाइन क्रिएशन करते हैं, स्कैन ऐप करते हैं, यहाँ पे स्कैन ऐप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, परसेंट डी, इंटीजर के लिए परसेंट डी होता है, ठीक है। जिस तरफ प्लॉट के लिए क्या होता है, परसेंट एफ होता है, क्या होता है, परसेंट एफ। तो यहाँ पे परसेंट डी क्लोज कॉमा एम परसेंट क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं, अब ब्रैकेट में क्लोज सेमीकोलन। तो चलिए अब हम गेट सी एच करते हैं, gtcs करते हैं, सेमीकोलन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रन करके देखें कि वास्तव में ये प्रोग्राम जस्ट इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे गेट सी एच, अब कंट्रोल अप्लाई करते हैं, कंट्रोल अप्लाई, इंटर द फाइव, ठीक है, जस्ट फाइव इनपुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, अब फोर लूप घुमाना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, फोर स्टेटमेंट घुमा देंगे, फोर क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन दे रहे हैं, y इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, x, ठीक है, यहाँ पे x है, तो क्या होगा, यहाँ पे y इज लेस देन और इक्वल टू x होगा। उसके बाद सेमीकोलन करते हैं, y प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। ये जो है आपको स्टेटमेंट, इसी कहा जाता है आपको फोर लूप स्टेटमेंट, जो आपको थ्री एलिमेंट से बना हुआ है, आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसके बाद ये जो है पार्ट, इसे कहते हैं फोर लूप को सेक्शन कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे हम, इफ करेंगे यहाँ पे x, क्योंकि x जो है वेरिएबल जिसमें वैल्यू इनपुट होगा, रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे y, x रिमाइंडर y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अगर x में y से डिवाइड करने के बाद y का यहाँ पे पांच वैल्यू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 1/1 डिवाइड करके जिसका आपको कंडीशन जीरो आएगा, ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। यहाँ पे क्या है, आपको काउंट एक वेरिएबल है ना, काउंट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे काउंट प्लस वन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से हम लूप भी क्लोज कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अगर काउंट का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या है, काउंट, इफ काउंट इक्वल टू, इफ यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू टू, ठीक है, इफ काउंट इक्वल टू टू, अगर काउंट का वैल्यू टू होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट एप क्या होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है, जस्ट हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये आपको काउंट इक्वल टू होगा, आपको लेस भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, ELSE क्या करते हैं हम, else क्या करते हैं हम, यहाँ पे braces, print app, ठीक है, print app क्या करते हैं यहाँ पे, not prime number, ठीक है, not prime number, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, braces close semicolon, अब हम क्या करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, गेट सी एच से, अब हम alt F9 करते हैं पहले, यहाँ पे टू एरर से, इफ x मोड y इक्वल टू, alt F9 करते हैं, इधर से, इफ x रिमाइंडर y इक्वल टू जीरो, ठीक है,
अगर x रिमाइंडर y इक्वल टू जीरो को यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ही बार हम कर देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट और डेफिनेट, ठीक है, देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो और डेफिनेट करते हैं, ठीक है, इफ काउंट इक्वल टू टू इक्वल टू कर दीजिए और डेफिनेट, ठीक है, सबसे सर ये आपको जो हुआ ये आपको लूप है कंप्लीटली। अब कंट्रोल एफ जब भी करते हैं तो यहाँ पे हम फाइव करते हैं तो यहाँ पे प्राइम नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर शो कर रहे हैं। अल्ट एफ फिर कीजिए, कंट्रोल एफ कीजिए, फिर यहाँ पे फोर करते हैं, यहाँ पे नॉट प्राइम शो कर रहे हैं, ठीक है, फिर अल्ट एफ कीजिए, कंट्रोल एफ कीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्वेल्व करते हैं, यहाँ पे नॉट प्राइम शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो इस तरह हम प्रोग्राम हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्या है, तो अगर हम यहाँ पे अगर जीरो देते हैं, अगर जीरो देते हैं तो फिर भी आपको नॉट प्राइम शो कर रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, तो आपको लॉजिक सिर्फ देना पड़ता है। अभी तक तो मैंने क्या किया हूँ, प्राइम नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा और जो प्राइम नंबर नहीं है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्राइम नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं और प्राइम नंबर का जीरो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होते और वन कभी भी प्राइम नहीं होते। दैट मीन्स वन जीरो ना प्राइम होते हैं ना कंपोजिट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निगेटिव कभी जीरो नहीं होते, अब पॉजिटिव में वन रहा या फिर जीरो रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे यहाँ से हम क्या करते हैं इफ, हम क्या करते हैं इफ, ठीक है, काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, या फिर क्या करते हैं यहाँ पे और काउंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे वन, ठीक है। अगर काउंट इक्वल टू जीरो या फिर काउंट इक्वल टू वन होगा तो प्रिंट एफ क्या होगा, न ये प्राइम है और न ये कंपोजिट है, तो क्या होगा मैसेज में, नाइदर प्राइम नाइदर प्राइम, ठीक है, नोर कंपोजिट, ठीक है, इस तरह क्या होगा मैसेज प्रिंट होगा। अगर वैल्यू अगर काउंट का जीरो या फिर वन हो तो नाइदर प्राइम होगा और नोर क्या होगा यहाँ पे कंपोजिट होगा। यहाँ पे ब्रैसेज दे रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैसेज को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मल्टी कंडीशन हो गया, यहाँ पे इल्स इफ थप रहा हूँ, ठीक है, यहाँ इल्स इफ काउंट इक्वल टू टू होगा प्राइम नंबर, ठीक है, यहाँ पे इल्स क्या होगा आपको यहाँ पे इल्स इफ हो जाएगा, यहाँ पे इल्स होगा, ठीक है। अब ऑल्ट एफ9 करें, देखें एक बार, कंट्रोल एफ9 करें, देखें एक बार, वन करते हैं तो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ठीक है, ऑल्ट एफ9 करते हैं, कंट्रोल एफ9 करते हैं, वन करते हैं, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ऑल्ट एफ9 करते हैं, कंट्रोल एफ9 करते हैं, सिक्स करते हैं तो नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि नॉट प्राइम नंबर है और यहाँ पे हम नॉट प्राइम को अगर हम कंपोजिट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉट प्राइम को हम जस्ट हम कंपोजिट नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है, सी ओ एम पी ओ एस आई टी ई कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब हम जब भी ऑल्ट एफ9 करेंगे, कंट्रोल एफ9 करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सिक्स है ना, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, जस्ट कंप्लीट। देखिए प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, प्रोग्रामिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोग्रामिंग को अगर आप रन करेंगे तो प्रोग्रामिंग में एरर आता ही है, कभी भी आपको इक्वल टू एक मिस हो जाएगा, कभी कुछ मिस हो जाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। तो इस तरह हम प्राइम और कंपोजिट को हम प्रोग्रामिंग हम इसी में बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज का इस वीडियो यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे वो सोशल मीडियाज है उसके मार्फत जस्ट कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सॉल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।